Hello, dear students, welcome back to your history class. Uh, you know, we will be continuing our chapter number 12, that was Colonialism and Indian Towns, the Town Plans and Municipal Reports. In the very last videos, we have discussed a lot about East India Company's records, municipal records, census records colonial rule and indian towns, what shaped the character of towns, changes in the urban life, how did the towns look like? and also we have discussed about various ports, forts and centres of services. a new urban env environment was also discussed by us. social life in the cities, you know, modern cities in the british time was also discussed. but in this video we'll be discussing something very interesting you'll find it interesting interesting and the topics to be discussed in this video are hill stations and settlement and segregation in madras again hill stations and settlement and segregation in madras let me start my topic with hill stations द ऑलिजन ऑफ हिल स्टेशन इन इंडिया ले इन द ब्रिटिश डिजायर टू इस्टिश सैनिटोरिया विद द सब कॉन्टिनेंट जहाँ पर यूरोपियन के जो इन वैल्यू मतलब हीट और डिजीज़ थे वो कवर कर सकते थे खुद को वेन द ब्रिटिश हैज़ कंसॉलिडेटेड द पोजिशन इन इंडिया एंड एंड एक न्यू टेरिटरीज उन्होंने हिल स्टेशन इस्टब्लिश करने की शुरुआत की जैसे कि महाबलेश्वर एंड चेरापुंजी एटीन सेवनटीन से ट्वेंटी वन में हुआ क्या वेन एक कोलरा एपिडमिक्स आया कंट्री के अंदर और उससे बचने के लिए दे वॉन्टेड कि कुछ ठंडक वाले एरिया में जाया जाए एंड दे स्टार्टेड सर्चिंग फॉर सच प्लेसेस एंड दे एस्टेब्लिश हिल स्टेशन एक हिल स्टेशन के आपको पिक भी दिखाऊंगी मैं अभी इसको देख के कुछ याद आया यस yes, शिमला हमारे लिए अभी शिमला है लेकिन ब्रिटिशर्स के टाइम पर ये शिमला था एस आई एम एल ए it was one of the most important hill stations established by britishers in india it was established in the 19th century on a site which the british acquired from nepal by the conquest in 1815 and 1816 the british made simla the seat of imperial government also aur ek prestigious narrow gauge way, patli line wali choti train abhi bhi chalti hai kalka simla railway pe banayi gayi to manoge maine suna in fact maine dekhi bhi hai train कहते हैं कि वो स्पीड से चलती है कि एक इंसान बड़े आसानी से उस पर चलते चलते उतर सकता है एंड उस पर वापस आ सकता है एक ही ट्रैक है उधर से ही वो उसी ट्रैक पे वापस आती है उसी ट्रैक से जाती है एक सिंगल ट्रैक ही बना हुआ है और इट्स मार्वलस फीट ऑफ इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग इतनी मार्वलस है ना वो इतनी सुंदर इतनी सुंदर इसकी कोई हद नहीं और इट हैज़ डिक्लेयर्ड एज वर्ल्ड हेरिटेज बाय यूनेस्को एट वन टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉज हाउसड बाय फॉर नियरली एट मंथ्स अ ईयर इन शिमला मतलब साल में आठ महीने ब्रिटिशर्स कहाँ रहते थे शिमला में रहते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हिल स्टेशन को समर कैपिटल बनाया जैसे कि और भी आए हिल स्टेशन जैसे कि दार्जिलिंग और नैनीताल और ब्रिटिशर्स ने दार्जिलिंग को एक तरह से रेस्ट किया था खींचा था फ्राम द रूलर ऑफ सिक्किम इन एटीन थर्टी फाइव कुछ और भी बात करेंगे इस बारे में हम हिल स्टेशन के बारे में कि इट इज बिलीव दैट एवरी थिंग इन हिल स्टेशन हैप्पी कंट्रीब्यूटेड टू मेक द ब्रिटिशर्स मोर जॉयस और बीक एटलीस्ट हैप्पी उनको सब कुछ बहुत बढ़िया लगता था, था वहाँ पर मोस्ट सिग्निफिकेंटली हिल स्टेशन वर टू सर्व एज नर्सरीज ऑफ रूलिंग रेस नाम दिया गया है किस को हिल स्टेशन को नर्सरीज ऑफ था रूलिंग रेस ध्यान रखना वन मार्क में हमारा एक क्वेश्चन आ, आ जाता है वेर आज इन द प्लेन्स ब्रिटिश मैन आउट नंबर्ड वेमेन एंड दिल स्टेशन ब्रिटिश मतलब औरतें भी बहुत ज़्यादा जाती थी और यू नो दिल स्टेशनिशिंग सिक्योरिटी फ्राम ओकेजनल राइट ऑफ द नेटिव यंगर ब्रिटिश वेमेन आती थी और दे यूज़ टू रेज अप देर फैमिली राइट ही अपने बच्चों को यहाँ ले कर आती थी क्योंकि प्लेन्स में बहुत प्रॉब्लम होती थी और यहाँ एक फ़ायदा और भी था हिल स्टेशन का यहाँ पर बोर्डिंग स्कूल करते बोर्डिंग स्कूल्स हुआ करते थे और यूरोपियन चिल्ड्रन को बोर्डिंग स्कूल्स में पढ़ने की आदत हुआ करती थी और वो एजुकेशन यहाँ रिसीव करते थे बट यू नो इन स्पाइट ऑफ वेराइटी ऑफ रीजन द पॉपुलरिटी ऑफ हिल स्टेशन अमंग द यूरोपियंस बिगैन टू डिक्लाइन इन द टू फिफ्टीन ईयर प्रोसीडिंग एंड ऑफ ब्रिटिश रूल हिल स्टेशन आर नॉट ओनली थ्राइविंग बट ऑल्सो देयर ओन पोलिटिकल ऑटोनॉमी एंड एकानमी बिसाइड्स गिविंग टू प्लेस ऑफ़ अ न्यू स्लैब कल्चर को ही बिल्कुल अलग मीनिंग दे चुके हैं कौन हिल स्टेशन दो हिल स्टेशन आर पर रिनोड एज डेस्टिनेशंस और हिंदी फिल्म हमारी ख़ासकर हिल स्टेशन्स पर बहुत ज़्यादा शूट की जाती है इस चीज़ को हम इग्नोर नहीं कर सकते और लेकिन हाँ हिल स्टेशन को शुरुआत देने वाले स्पेशली शिमला जैसे हिल स्टेशन दार्जिलिंग तो हमारे नैनीताल को शुरुआत देने वाले हम नेम्स खुद नहीं हैं हमने नहीं ढूंढी थी जगह ब्रिटिशर्स आए और उन्होंने ढूंढी थी नाउ कम्स द टॉपिक सेटलमेंट एंड सेग्रीगेशन इन मद्रास आज बहुत ही इंटरेस्टिंग बात पढ़ते हैं सबसे पहले मद्रास के बारे में कि भई इसको मद्रास का नाम जो पड़ा कहाँ से मद्रास का ओरिजिनल नेम पहले क्या था मद्रास पट्टनम क्या नाम था मद्रास पट्टनम अब पटनम का मतलब होता है टाउन और मद्रासा जो नाम था वो कहाँ से पड़ा मद्रास के एरिया में ना एक क्या था पोर्टोगीज के टाइम पर एक फिशरमैन रहता था जिसका नाम था मद्रासा बहुत ही हाई स्टीम वाला पर्सन था वो लोकल्स भी मानते थे उसकी वो रूलर्स भी मानते थे इसलिए उसके नाम पर पड़ गया ये नाम मद्रासा पटनम और फर फर्दर उसको हमने कर दिया मद्रास द करेक्ट नेम ऑफ द मेट्रोपोलिस हाउ इज चेन्नई अब क्या हो चुका है वो चेन्नई जिसका फुल नेम चेन्नई कहाँ से पड़ा चन्नापट्टनम मॉडर्न चेन्नई ग्रू आउट ऑफ स्मॉल विलेज सिक्सटीन थर्टी में हुआ था जब फिशिंग हैमलेट मद्रासापट्टनम वॉज सेलेक्टेड बाय सर फ्रांसिस डे ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एज साइट ऑफ द सेटलमेंट चेन्नई वॉज द फर्स्ट ब्रिटिश मेजर सेटलमेंट इन इंडिया चेन्नई वॉज द फर्स्ट ब्रिटिश मेजर सेटलमेंट इन इंडिया अगेन आई एम रिपीटिंग इट वॉज देयर दैट मैनी हु बिल्ड द एम्पायर फर्स्ट लर्न देअ ट्रेड जो उसने भी यहाँ एम्पायर बनाना था उसने उन्होंने पहले इनका ट्रेड सीखा यहाँ पर चन्नपट्टनम में आ, इन्होंने फोर्ट्स वगैरह बनाए और ये अपनी मर्जी से भी आके नहीं यहाँ नहीं रह पाए थे सेटलमेंट के लिए राइट्स लिए थे इन्होंने पहले परमिशन ली थी फिर क्या हुआ वहाँ पर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी थी फ्रेंच लोग भी थे और ब्रिटिशर्स भी थे बहुत टाइम तक इंग्लिश और फ्रेंच जो थे इकट्ठे बड़े पीसफुली रहे लेकिन उनका कोई एम्बिशन नहीं था कि भाई हमें इस एरिया का एक्वायर करना है ऐसा कुछ करना है लेकिन हुआ क्या वॉर ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन हुआ यूरोप के अंदर जिससे एक फ्लेम उठा हॉस्टेलिटी का बिटवीन इंग्लिश ब्रिटिश एंड फ्रेंच कोरोमंडल कोस्ट पे 1746 में ब्रिटिशर्स वर फोर्स टू सरेंडर टू मद्रास टू फ्रेंच Right, though the English had no look, no longer European rival, they had to deal with Mohammedan rulers. Then Mohammedan rulers came, Mysore side, se. but the defeat of T Tipu Sultan in seventeen ninety nine in fourth battle of Mysore, British became the masters of Madras region. पेरियार्स और वन वन ईयर्स जो थे वहाँ के पुअर लोग थे आरकॉट का जो नवाब था ही सेटल नियर बाय मिल्लापुर एंड ट्रिप्लिकेन एक हिंदू रिलीज सेंटर्स थे जो कि ब्राह्मि थे बेसिकली दोबाशेज़ वो लोग थे जो दो भाषे दो भाषा वर्ड से बनाए कि जो दो लैंग्वेजेस बोल सकते थे एंड सन्थोम विद इट्स कैथीड्रल वॉज देंटर रोमन कैथोलिक्स कैथोलिक चर्च कैथोलिक्स कैथीड्रल कैथोलिक चर्च को कि एग्जिस्टेंस के लिए किस, किस कौन था सेंथॉम इसलिए हम यूजली क्या करते हैं किसी भी चर्च के नाम के आगे एस टी लगाते हैं वो नाम यहीं से पढ़े हैं सेंथॉम से ही पढ़ा है वो नेम अब बात करनी है हमने सेग्रीगेशन की लेकिन उससे पहले एक ट्रेडिशनल मॉडर्न आउटलुक आउख्ल। की बात करते हैं चेन्नई के देखो चेन्नई की एक स्ट्रीट की फोटो है माउंट रोड ऑफ मद्रास बेसिकली बच्चे एवरी स्ट्रीट ऑफ मद्रास हैज़ अ स्टोरी टू टेल

एंड यू नो और भी बहुत सी चीज़ें हैं यहाँ पर चाइना बाज़ार है चाइना बाज़ार हैज़ न थिंग देर एक्सेप्ट चाइना वेयर ऑन द स्ट्रीट्स बर्मा बाज़ार टेलीस्कोप है यहाँ पर फुटपाथस पे काम हो रहा है यहाँ पर एंड दिस इज़ द पिक्चर ऑफ पार्ट ऑफ ब्लैक टाउन ऑफ मद्रास ब्लैक टाउन बेसिकली एक जॉर्ज टाउन कंसिडर किया जाता था टे जॉर्ज टाउन इज़ द हार्ट ऑफ द सिटी इसको हार्ट ऑफ द सिटी भी बोलते हैं बर्मा बाज़ार वगैरह ये सब में आते हैं और ये ये एक रास्ता है जहाँ पे बेगर्स वेंडर्स पेमेंट डूलर्स एवंट बेबीज फ्लावर बाज़ार भी बोलते हैं इसको ये सब नाम हैं सबके इसके ब्लैक टाउन के बेसिकली ये ब्लैक टाउन कहाँ पे है मद्रास में ये सिर्फ और सिर्फ एक एरिया का नाम है अभी ब्लैक टाउन और वाइट टाउन नाम की सेग्रीगेशन भी हमने पढ़नी है जो हमारे मद्रास के अंदर आनी है इसके अलावा एक बात बताती हूँ आपको जेमिनी स्टूडियो जिसका नाम सुना हुआ ना हमने फेमस फिल्म स्टूडियो प्रोड्यूसर इन गुड नंबर ऑफ सक्सेसफुल हिंदी तमिल और अदर लैंग्वेजेज फिल्म वो भी यहीं पे लगभग पड़ता है और ये एक जैमिनी स्टूडियो पता है किसके पीछे नाम पड़ा था उसका एक घोड़ा था एक हॉर्स था एस एस वासन का फिल्म प्रोड्यूसर थे एस एस वासन उनका एक हॉर्स था जिसने बड़ी सारी रेसेस जीती थी, थी इसलिए उसके नाम के पीछे उन्होंने स्टूडियो खोला था जेमिनी स्टूडियो अब बात करनी है सेग्रीगेशन की मतलब कि अलग करने की सेग्रीगेशन में वाइट टाउन आया सेंट फॉर्ट सेंट जॉर्ज एक न्यूक्लियस की तरह सामने आया वाइट टाउन के जहाँ पे यूरोपियंस रहते थे कलर रिलीजन से डिटर्मिन होता था कि कौन कहाँ पर रहेगा कंपनी इंडियंस के साथ शादी करना बिल्कुल भी अलाउ नहीं करती थी हाँ ये था कि इंग्लिश के अलावा डच और पोर्टुगीज वर अलाउड टू स्टे क्योंकि वो भी क्या थे यूरोपियन थे और क्रिश्चियन थे और गोरे थे गोरे और काले का डिफरेंस ये ब्लैक और वाइट टाउन नाम ही कम्पलेक्शन के बेस पे पड़ा है तो वो आपस में इंडियंस को तो बिल्कुल अपने आसपास भी आने नहीं देते थे ऐसा एरिया जहाँ पे वो खुद रहते थे वो कहते थे, थे वाइट टाउन और जो ब्लैक टाउन था ब्लैक टाउन डेवलप्ड आउटसाइड द फोर्ट फोर्ट से बिल्कुल बाहर का एरिया था ये और स्ट्रेट लाइंस थी वीवर्स की आर्टिस की और मिडल मैन रहते थे और बहुत इंपॉर्टेंट रोल तो प्ले करते थे लेकिन उनको खास इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी ठीक बेटे इन द नेक्स्ट वीडियो विल बी डिस्कसिंग कोलकाता एंड बॉम्बे थैंक यू स्टे एट होम स्टे सेफ थैंक यू